दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल बसचक प्रॉपर्टीज़ पे। दोस्तों हर बार की तरह आज जो आपको घर दिखाने लाए हैं बहुत ही आलीशान घर है और एक अच्छे बजट के अंदर है। और घर हमारा रहेगा आज का 165 स्क्वायर यार्ड का, 27 इसकी विड्थ रहेगी और 55 इसकी डेप्थ रहेगी। और दोस्तों बता दूँ, बड़ा ही अच्छा यूनिक सा डिज़ाइन है, टाइल्स के साथ पूरा आगे गया, फ्रंट इसका कवर किया गया है, डिज़ाइनर होम है तो इसके अंदर आपको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी बड़ी यूनिक सी मिलेंगी। सामने आपके पास छोटा सा गार्डन, गार्डन के साथ आपके पास एक एंगल्स के अंदर डिज़ाइन, और आपकी जो फ्रंट वॉल है बाहर की वहाँ पर भी आपको टाइल्स डिज़ाइन दिया गया है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो क्वालिटी आज आपको देखने जा रहे हो बिल्कुल डिफरेंट है। आपके पिलर्स पे पूरा जो है टाइल्स का कवर वर्क किया हुआ है। उसके अलावा जो हमारा मेन एंट्रेंस गेट है, काफ़ी हैवी गेट है, आयरन का गेट है आपका, बीच में आपका जो है सारा वुडन पैटर्न के साथ। और जैसे मैं आपके जो गेट है ओपन करता हूँ हमारे पास आती है एक बड़ी सी ग्रैंड पार्किंग। जी हाँ, काफ़ी अच्छी पार्किंग स्पेस है हमारे पास, आपकी इजीली एसयूवी गाड़ी जो है आराम से यहाँ पे शिफ्ट हो सकती है। आप जैसे अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क करते हैं उसके साथ हमारे पास यहाँ पर भी एक अच्छी स्पेस आ जाती है, तो आपके टू व्हीलर्स जो है आराम से यहाँ पर पार्क हो सकते हैं। स्पेस की कमी हमारे पास इस घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। नीचे आपको जो है वाटर टैंक एक मिल जाएगा एक अच्छी स्टोरेज के साथ, और फ्रंट आप यहाँ से नज़र मार सकते हैं बिल्कुल, आपका जो है टाइल्स के साथ पूरा कवर किया गया। यहाँ से आपको पता लग जाएगा जो क्वालिटी हमने यूज़ की गई है पूरे घर के अंदर वो बिल्कुल अलग ही तरह की है। दोस्तों पार्किंग एरिया जो हमारा 20x13 का रहेगा, मतलब कि अगर हमारी 20 लेंथ है तो आपका मतलब ये है कि आपकी बड़ी से बड़ी गाड़ी जो होती है आराम से लग जाएगी यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ग्रीनरी मेंटेन करना किसे अच्छा नहीं लगता, तो आज जो आपका घर रहेगा इसके अंदर ग्रीनरी भी आपको यहाँ पर पूरी दिखने को मिलेगी। दोस्तों पार्किंग एरिया में ही हमारे पास जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन वर्क हमारा शुरू हो जाता है, चाहे आपकी वॉल हो या फिर आपकी सीलिंग हो, पूरे वुडन के साथ आपको लाइट्स के साथ एक डिज़ाइन दिया गया है पूरे फ्रेम बनाकर। सीलिंग पर आपको पूरे घर के अंदर बहुत ही बेहतरीन से डिज़ाइन पूरे घर में आपको मिलने वाले हैं। और दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हमारे पास एक स्टेप है, स्टेप से ऊपर आते हैं तो हमारे पास एक बड़ा सा हमारा मेन एंट्रेंस डोर जो कि वायर मैश डोर है, बीच में ग्लास के साथ फिनिश दिया गया है, वुडन डिज़ाइन प्लस आपका जो है वायर मैश डिज़ाइन, और आपका एक बड़ा सा हैंडल मेन एंट्रेंस डोर का। जी हाँ, एक शाही सा हैंडल आपके शाही घर का, और इसको ओपन करने के बाद हमारे पास आता हमारा मेन एंट्रेंस डोर जो कि आपका बिल्कुल पूरा वुडन है, और बीच में आपका ग्लास वर्क दिया गया है, उसके साथ पॉलिश की गई है एक अच्छे तरीके के साथ, एक पूरा अच्छा घर आपको यहाँ पर बनाया गया है। तो घर का अगर मेन एंट्रेंस डोर अगर आपका शानदार हो तो अंदर देखने में और मज़ा आता है यार। ठीक है, बीच में आपको ग्लास पैटर्न दिया गया है बिल्कुल। इसे जैसे हम ओपन करते हैं तो हमारे पास बड़ा लाजवाब सा डाइनिंग एरिया। जी हाँ, यहाँ पर आपका जो है ड्राइंग और डाइनिंग एरिया दोनों अलग अलग मिलेंगे, और पूरे घर के अंदर जो आपका सीलिंग पर डिज़ाइन होगा बिल्कुल डिफरेंट, एक अलग ही तरीके का यहाँ पर डिजाइन आपको पूरे घर के में यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों 17x12 का आपका जो है डाइनिंग एरिया, 17x12 का मतलब ये हो जाता है कि यार हमारे पास एक अच्छी स्पेस है, इजीली हम यहाँ पर अपना 6 सीटर 8 सीटर भी लगाना चाहे तो आराम से यहाँ लग सकता है। और इसके ऊपर जो झूमर आपका लगा हुआ है यार, ये इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। यहाँ पर ये हमें एज इट इज़ ही मिलने वाला है, और इसके अलावा इस तरफ हमारी जो वॉल है वहाँ पे आपको टीवी पैनल एक बड़ा सा, आप जितना बड़ा टीवी यहाँ पर लगाना चाहते हैं अपने लगा सकते हैं। और ये स्पेस एक ऐसी स्पेस कह सकते हैं कि आपकी जो फैमिली के लिए एक स्पेस मिल जाती है कि आपको शाम को जब है पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठी हो सकती है एक जगह के ऊपर। और ठीक मेरे इस तरफ जो है आपको पूरा वॉलपेपर, एक खूबसूरत सा वॉलपेपर। ये
यार हर चीज़ जो हमारे इस घर के अंदर हमें मिलने वाली है वो बिल्कुल डिज़ाइनर रहेगी और डिफरेंट रहेगी और एक अच्छी क्वालिटी की रहेगी। बहुत जगह पर हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें हमें मिल तो जाती है लेकिन वहाँ क्वालिटी नहीं होती, यहाँ पर आपको क्वालिटी हर जगह मिलेगी, हर चीज़ के अंदर क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आज आपकी हर चीज़ का ध्यान यहाँ पूरा रखा जाएगा। और थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमारे पास एक किचन आती है, एक बड़ी सी किचन, एक लाजवाब से साइज़ के साथ 12x9 का साइज़ हमारी किचन का रहेगा। आप लगा लीजिए कि अगर आपकी किचन 10 फुट से ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब उसके पास बहुत अच्छा साइज़ है। और 12 फिट का मतलब ये आ जाता है कि एक आपका जो रूम था उसकी जगह की आपकी किचन आ गई है। एक बड़ी सी शेल्फ आ जाती है आपकी एल शेप के अंदर, पूरे आपका काउंटर जो रहेगा ब्लैक ग्रेनाइट का रहेगा। ठीक आपके काउंटर के सामने आपके टाइल रहेंगी बड़े अच्छे से डिज़ाइन के साथ, 4-4 फीट के आपके बड़े बड़े टाइल्स हैं। और ठीक उसके ऊपर आपके जो है सारे कैबिनेट्स आ जाएंगे जो कि आपके डबल लैमिनेशन है, हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं। और इस तरह भी मैं देखूँ तो यहाँ पर भी सारे आपके डबल लैमिनेशन के साथ मिलेंगे। बल्कि आप स्टोरेज करना चाहते हैं जितनी भी स्टोरेज है आपकी आराम से यहाँ पर आएगी। ठीक सेम ऐसे पैटर्न के अंदर स्टोरेज हमारे उस तरफ मिलती है। प्रॉपर बीच में जो हमारी चिमनी के लिए स्पेस यहाँ पर हमें मिलेगी। और इसके नीचे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हमारे पास जो है, माफ़ी चाहूँगा, प्रॉपर आपके जो है सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ सारे के सारे कैबिनेट्स यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। ग्रे कलर के साथ आपको नीचे वाला पोर्शन सारा मिल जाता है डार्क के साथ, ताकि जो आपके है अगर कोई चीज़ गिरे तो कभी ऐसा ना लगे कि वो बुरा है, बुरी फीलिंग्स ही ना आए उसके ऊपर। कोई टच सब्जी गिर जाती है कई बार या कुछ और होता है, डस्ट पड़ी होती है तो ख़राब नहीं लगता। और यहाँ पर हमारे डीप सिंक आ जाएंगे दो, काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, काफ़ी अच्छा साइज़ है। साथ में हमारे पास जो है डिज़ाइनर टैप्स हमें मिल जाते हैं। और ठीक इसके सामने हमारा खिड़की के सामने वाला मेन एंट्रेंस डोर। और यह जो सीलिंग का डिज़ाइन है वो हमें किचन में भी पूरा ऊपर मिलता है और एक अच्छे डिज़ाइन के साथ। तो दोस्तों साहब बढ़ते हैं हम अपने ड्राइंग एरिया की तरफ। और ड्राइंग एरिया के साथ में जो अगर आप देखें तो एक पार्टीशन कर दी गई है बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, बिल्कुल डिजाइनर पार्टीशन। और यहाँ से आप अंदर आए तो आपके पास एक 12x12 का एक अच्छा सा ड्राइंग एरिया जहाँ पे आपका वॉलपेपर लगा है, सीलिंग पर बड़ा ही प्यारा सा डिज़ाइन है, एक सामने बड़ी सी खिड़की, पूरे घर के अंदर लाइट बिखेरती हुई। और अगर यहाँ से आप देखें तो सामने का एरिया भी सारा आपका रेडी है, सारी फैमिली आसपास यहाँ पर रह रही हैं। तो इतनी स्पेस हमारे पास यहाँ पर है कि आपका जो 9 सीटर है आराम से लग जाए। 9 सीटर के बाद अगर आप कोई और चीज़ रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग एरिया में सिर्फ हम सोफ़ा सेट नहीं रखते, और भी कई चीज़ें रखते हैं, तो स्पेस हमारे पास यहाँ पूरी आ जाती है, खुल कर आ जाती है। नीचे आपकी जो रहेंगी पूरे घर के अंदर वेटिफाइड टाइल्स रहेंगी, डबल चार्ज होंगी, एक अच्छे डिज़ाइन के साथ। दोस्तों बढ़ते हम अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। और आपको बता दूं दोस्तों एक वाकई जितने बेडरूम्स हैं आपके बड़े शानदार से साइज के साथ हैं यार। 15 फीट का बेडरूम आपका यहाँ पर हमें मिल जाता है, काफी अच्छा साइज होता है 15 फीट। यार सॉरी 15x13 का, तो इसका मतलब यह आता है कि आपका स्पेस ही स्पेस है। आपका बेड 6x6.5 का अगर यहाँ पर आ जाता है तो उसके पास हमारे पास बहुत बढ़िया स्पेस रहती है। तो बड़ा सा बेडरूम हो तो यार मज़ा आता है उस घर के अंदर रहने के अंदर, लगता है कि अपना एक शाही घर है और शाही अंदाज के साथ हम रह रहे हैं। वार्डरूम हमें जो है पूरी सीलिंग की हाइट तक पूरी मिलेंगी और स्लाइडर डोर्स के साथ यहाँ मिलेंगी हमें, काफ़ी स्पेस अच्छी है इसके अंदर, डीप है पूरी, आप जितना स्टोरेज करना चाहते हैं इसके अंदर आराम से हो जाएगी।
दोनों तरफ हमारी स्टोरेज जो है यहाँ पूरी रहने वाली है, तो आपके जितने भी कपड़े होंगे तो सारे आराम से इसके अंदर आएंगे। इसके अलावा हमारे पास ऊपर भी है, क्योंकि सीलिंग की हाइट तक है, तो स्टोरेज यहाँ पर हमारे पास बहुत है। नीचे आपका शू रैक हमें पूरा मिल जाता है, और सेम पैटर्न के साथ जो हमें सामने है हमारा टीवी पैनल, एक अच्छे डिज़ाइन के साथ, जहाँ पे ड्रॉर्स आपके बने हुए हैं, इजीली आपका बड़ा सा टीवी यहाँ पर लग सकता है। और मिलता जुलता आपका जो वॉलपेपर है वो इस रूम की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। दोस्तों एक जो ऊपर सीलिंग पर काम किया गया है वो बड़ा डिफरेंट है। आप देखिए जहाँ पर वुडन वर्क जो किया गया है उसके ऊपर सीलिंग में, वो बिल्कुल डिफरेंट है। यूजली जो होता है हमें पेंट मार्कर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक्चुअल में ऊपर वुड लगी हुई है, तो जिसकी वजह से जो सीलिंग है उसका डिज़ाइन बड़ा डिफरेंट सा हो जाता है। अगर कोई भी आपका गेस्ट आता है और एक आपके बेडरूम में एक बार आ जाता है या आप उसको इन्वाइट करते हो, तो यार वाकई वो यार एक कोई कॉम्प्लीमेंट दिए बिना नहीं जाएगा। और ठीक आपके इस तरफ जो है अटैच वॉशरूम हमें मिल जाता है काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ। आप देखिए सीलिंग पर भी आपको पूरा डिज़ाइन मिलेगा, यहाँ प्लेन सीलिंग नहीं है, एक अच्छे टाइल्स के डिज़ाइन के साथ आपको पूरा वॉशरूम यहाँ मिलता है। काफ़ी अच्छे साइज़ है वॉशरूम का भी, और टाइल्स का अगर कलर देखें तो बिल्कुल डिफरेंट। जी हाँ, एक अच्छे पैटर्न के साथ पूरी टाइल्स यहाँ पर आपको नज़र आती है। डिज़ाइनर आपके सारे टैप्स रहेंगे, एक अच्छा सा फेरमोरा का ब्रांड का भरोसा, एक खूबसूरत सी खिड़की जो हमारी 8 फीट की हाइट तक जाती है। दोस्तों एक चीज़ और है कि हमारे जितने भी रूम्स है और हर रूम का जो दरवाज़ा आपका 8 फीट की हाइट का है, तो काफ़ी अच्छी हाइट है यार, और सारे पॉलिश किए गए हैं एक अच्छे तरीके के साथ, हर चीज़ यहाँ पर बनी हुई है। वुड मैक्सिमम आपकी जो है सारी कपूर साल की यहाँ पर यूज़ की गई है, जो कि काफ़ी अच्छी ड्यूरेबल होती है, लाइफ लॉन्ग आपकी चीज़ चलती है। और दोस्तों इसके साथ हमारा सेकंड बेडरूम सेम आपका बड़ा सा एंट्रेंस डोर इस रूम का, और जैसे हम रूम के अंदर आते हैं यहाँ पर हमारे पास जो साइज़ आता है आपका 15.5 बाय 12.5 का एक बड़ा सा साइज़। यार खुले डुले रूम हो तो वहाँ रहना बड़ा इजी सा हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक यहाँ पर आपको जो है पूरी वॉलपेपर वाली बैक की बेड की बैक मिलती है, एक अच्छा कलर यहाँ पर यूज़ किया गया है वॉलपेपर का। और ठीक मेरे इस तरफ जो है आपकी अलमीरा मिल जाती है, जिसके साथ ड्रेसिंग आपको पूरा प्रॉपर मिलता है लुकिंग मिरर के साथ, और सीलिंग की हाइट तक की जो आपकी रहेगी आपकी अलमीरा यहाँ पूरी। सेम हमारे पास स्टोरेज यहाँ पर पूरी मिलने वाली है, जैसे हमने पहले देखा था डबल लेमिनेशन के साथ। और एक प्यारा सा हमारे बेड के सामने जो है हमारा टीवी पैनल, एक डिजाइनर टीवी पैनल। और यार हर चीज अगर थोड़ी थोड़ी डिजाइन में डाल दी जाए तो यार घर की लुक जो होती है बड़ी बदल जाती है, और ये वो चीजें होती है जो सालों साल हमें याद रहती है, और जहां से हमें पता लगता है कि यार हमारा घर जो है बाकी हर घर से अलग है, और ये वो डिजाइन होता है यार जिसके साथ हमारा जो प्यार होता है सारी उम्र बना रहता है। और दोस्तों यहाँ पर वॉशरूम में अटैच मिलेगा, बहुत ही प्यारा सा जो है टाइल्स का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ मिलता है। सीलिंग पर बड़ा अच्छा डिज़ाइन आपको पूरा मिलेगा यहाँ पर। उसके अलावा जो आपके टाइल्स लगी हैं यार वो बिल्कुल बेहतरीन सा है कलर, एक कलर कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और सारी वेरामोरा की फिटिंग्स आपको मिलती है, एक अच्छा डिज़ाइन और अच्छा ब्रांड आपको पूरा। उस इस बेडरूम के साथ हमारा एक खिड़की जो कि आपकी 8 फीट की रहेगी, और साथ में हमारा 8 फीट का दरवाज़ा जो कि हमें लीड करता है हमारे वॉशिंग एरिया की तरफ। और स्पेस की बात करें तो यहाँ बहुत अच्छी स्पेस है, और यहाँ सनलाइट भी बहुत अच्छी आती है, तो आपका इजीली जो है वॉशिंग और क्लोथिंग का काम जो है दोनों ईजिली यहाँ पर हो जाएगी। तो बढ़ते हैं वापस अंदर की तरफ। दोस्तों नीचे जो है हमारे 2 बेडरूम हॉल किचन हमारा पूरा मिल जाता है यहाँ पर, और ऊपर जो है 1 बेडरूम हॉल किचन। तो दोस्तों नीचे का कॉन्सेप्ट तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा, तो बढ़ते हैं हम ऊपर की तरफ।
दोस्तों स्टेयर्स पे हमारा जो है सारा ग्रेनाइट लगा हुआ हमें यहाँ मिलता है, उसके साथ स्टेनलेस स्टील की रेलिंग हमें पूरी मिल जाती है, एक अच्छा डिजाइन पूरा हमें यहाँ पर नजर आता है। और अगर आप ध्यान से देखें हमारी स्टेयर्स की तरफ तो आपको डबल यहाँ पर जो है नजर आएंगे टाइल आपको, और जो स्टेप्स है बड़े छोटे छोटे हैं, तो छोटे स्टेप्स होने का मतलब एक ये होता है कि अगर मेरे घर में मेरे पेरेंट्स हैं वो ऊपर आना जाना चाहते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत सारी जगह पर होता है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि यार छोड़ो ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो ऊपर रह रहा ऊपर देखता रहेगा। ठीक है, आपका यहाँ पर जो मीटर पैनल यहाँ पर आपका आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पैनल सारा यहाँ पर। और इस समय अगर आप मेरी बैक पर देखते हो तो ये बहुत ही एक अच्छा डिज़ाइन है, WPC के साथ इसको डिज़ाइन किया जाता है। ये एक ऐसी मटेरियल है जो कि आपका कभी बर्न नहीं होता, जो कभी ख़राब नहीं होता, ना पानी से ख़राब होता है। तो सालों साल एक चीज़ हमने ली है, लगा दी है, तो सालों साल आपकी एज इट इज ही हमें मिलती है। और दोस्तों ऊपर आने के बाद हमारे पास हमारी स्टेनलेस स्टील की रेलिंग टफन ग्लास के साथ, जो हमें नीचे से अच्छे से नहीं नजर आती। और इस तरफ हमारा टायर डिजाइन ये है। और दोस्तों अगर मैं ऊपर की बात करूं तो यहां पर भी हमारे पास सेटिंग बड़ी अच्छी है यार, आराम से हम यहां पर बैठ सकते हैं, काफी अच्छी स्पेस है हमारे पास यहां बैठने के लिए। और बता दूं यार कि हमारा घर जो है आज का ये ईस्ट फेसिंग है, तो ईस्ट फेसिंग अगर यहाँ पर सुबह सुबह आप बैठते हो तो यार मॉर्निंग का तो मज़ा ही कुछ और आ जाता है। तो दोस्तों ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर भी सेम हमें एंट्रेंस डोर वैसा ही मिलने वाला जैसा नीचे था, वायर मैश डिज़ाइनर डोर। और इसके साथ जो हमारा मेन एंट्रेंस डोर था वो भी सेम, जी हाँ, एक अच्छा सा डोर पॉलिश किया हुआ है एक अच्छे डिज़ाइन के साथ। और जैसे हम आते हैं अंदर तो हमारे पास एक ड्राइंग एरिया आ जाता है, बहुत बड़ा नहीं कहूँगा लेकिन एक अच्छा साइज़ है, यहाँ पर इजीली आपका जो है 5 सीटर या 7 सीटर यहाँ पर लगा सकते हैं। एक अच्छा पैनल पर डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है। यूजुअली ऊपर वाला जो एरिया होता है वो हम इस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि आपका रेंटल आपका इजीली यहाँ पर रहे, बाकी आपकी मर्जी। अगर हम अपने हमारी फैमिली भी ऊपर रहती है तो उसे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम हर चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि पूरी हो। जैसे सीलिंग आपका डिज़ाइन यहाँ पर भी आपको पूरा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि अगर हमने किसी को रेंट आउट करना तो यहाँ पर आधा काम करके दे दे, काम हमारा यहाँ पर पूरा रहेगा। और अगर मैं अपने किचन की तरफ आता हूँ तो किचन में जो यहाँ पर भी है एंट्रेंस फ्रेम आपका ये बड़ा अच्छा मिलेगा, जैसे हमारे पास नीचे था वैसे ही ऊपर बड़ा प्यारा सा मिलता है आपको, हल्के से छोटे छोटे लाइट्स आपको मिलेंगी यहाँ पर, पहले से लैंप्स है यहाँ पर, जो रात को अगर आप इसको देखो तो यार अलग ही नज़र आता है यहाँ पर। और सेम हमारी जैसे किचन नीचे थी 12x9 की एक बड़ी सी किचन, सेम कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉपर आपको सारे कैबिनेट्स यहाँ पर भी मिलेंगे, स्टोरेज में कोई कमी नहीं होगी यहाँ पर भी, जितना सामान आपका नीचे पूरा आएगा उतना ही आपका ऊपर भी यहाँ पूरा आएगा। तो दोस्तों बढ़ते आगे की तरफ, और इस तरफ हमारा फर्स्ट बेडरूम या थर्ड बेडरूम इस घर का, जो कि काफ़ी अच्छा साइज़ है, खुला डुला सा आपका साइज़ यहाँ पर हमें मिल जाता है यार, प्रॉपर हमें जो ऊपर भी मिलता है 12x13 का साइज़ हमें पूरा मिल जाता है, तो यार काफ़ी अच्छा साइज़ है। लेकिन इस तरफ हमारी जो है वॉल पर पूरा एक अच्छा सा वॉलपेपर लगा डिज़ाइनर, सीलिंग पर बड़ा ही प्यारा सा डिज़ाइन किया गया है लैम्प्स के साथ और वुडन प्लेट्स के साथ। और उसके अलावा जो है हमारी बेड के ठीक सामने आपका जो टीवी पैनल आ जाता है, एक डिज़ाइनर टीवी पैनल, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। अब देखिए अगर मैं इसके इस वाले माइका की बात करूं या इस तरह वाले, तो एग्जैक्टली ऐसा नज़र आता है कि यार जैसे मार्बल लगा हो यहाँ पर, यार फीलिंग बड़ी अच्छी आती है यहाँ पर। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारे जितने भी बेडरूम्स हैं या रूम्स हैं, हर रूम के अंदर आपको एक खिड़की मिलती है, ताकि नेचुरल लाइट है या फिर फ्रेश एयर है वो हर रूम के अंदर रहे, हर जगह पर आपके पास रहे। यार अपने घर के अंदर भी अगर हमें लाइट ना मिले या फ्रेश एयर ना मिले तो मज़ा नहीं आता, तो इस चीज़ का ध्यान आपका यहाँ पर हर जगह पर रखा गया है। और आपके जो वार्डरोब्स हैं, ड्रेसिंग एरिया आपका इस तरफ शिफ्ट कर दिया गया है, चीज़ें आपको पूरे घर के अंदर हर तरह की पूरी मिलेंगी यहाँ पर, कमी आपको कोई चीज़ की नहीं रहने देंगे। और थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो हमारा वॉशरूम, जो कि काफ़ी अच्छे साइज़ के अंदर है और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ भी है,
दोस्तों हम जानते हैं कि आप बहुत ही अरमानों के साथ अपना घर खरीदना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि आपके जितने अरमान हैं उनमें से एक घर जो अरमान आपका घर लेने का है वो उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी तरीके से पूरा करें। तो हमारी कोशिश होती है आपको हर बार एक अच्छा घर दिखाने की। और दोस्तों यहाँ पर हमारा बैकयार्ड और काफ़ी अच्छी स्पेस है, आप इजीली यहाँ पर दो कमरे अपने बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इसके अलावा आपके पास हमने स्टेयर्स यहाँ पर दे दी गई हैं आयरन की, ऊपर आपके पास वाटर टैंक तक आप जाना चाहते हैं या इसके ऊपर एक फ्लोर कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 3BHK हाउस जो कि 165 स्क्वायर यार्ड के अंदर बना हुआ है, 27 जिसकी विड्थ है और 55 जिसकी डेप्थ है। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कोई सुझाव है आपका तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को और अपना प्यार हमें ऐसे देते रहिए। और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपके मन के अंदर सवाल है या कुछ जानकारी है पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, अगर आपको वहाँ पर नहीं मिलती है तो मैं फ़ोन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी वक्त। तो दोस्तों इस वादे के साथ मैं आपको फिर मिलूँगा एक नए घर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त लेता हूँ, आपका दोस्त गुरविंदर, सत श्री अकाल।